दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिवाली का दिन और धनतेरस का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसी वजह से काफी लोग इस दिन बहुत से प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सभी के घरों में इस दिन पूजा की जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इनसे अच्छा दिन कोई भी नहीं माना जाता है। यह दिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। इस दिन अगर आप कोई भी पूजा पाठ, प्रयोग, मंत्र जाप करते हैं तो वह निश्चित ही अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। काफी कम लोग इस बारे में जानते हैं कि यह दिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। किसी भी प्रकार का मंत्र जाप करने के लिए आप इस दिन प्रयोग कर सकते हैं। इससे उस मंत्र जाप प्रयोग से बहुत ही अच्छे फायदे आपको मिलते हैं। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं कभी भी समाप्त ही नहीं होती हैं, जितनी भी आप मेहनत करते हैं उसमें सफलताएं नहीं मिल पाती हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो दोस्तों इसके लिए आज हम आपको बहुत ही सरल सा प्रयोग बताएंगे जो काफी लोग अपने घरों में आराम से कर सकते हैं और इन दिनों का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रयोग हम अपने चैनल में हमेशा शुभ मुहूर्त पर बताते रहते हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो आइए जानते हैं इस प्रयोग के बारे में। इसमें आपको छिपकली को देखना है। काफी बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी धनतेरस आने वाली होती है या दिवाली आने वाली होती है तो छिपकली अचानक से गायब हो जाती है। इन दिनों के आसपास से ही छिपकली बिल्कुल भी नहीं दिखती है और इन दिनों पर तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपको धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन छिपकली दिखती है तो यह सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। अब आपको करना है कि दिवाली या धनतेरस के दिन छिपकली आपको दिखती है तो तुरंत आपको अपने घर के मंदिर से सिंदूर और चावल ले लेने हैं। इसके लिए आप अपने घर के मंदिर में पहले से ही सिंदूर और चावल को तैयार रखें। घर के मंदिर में ही आपको यह चीजें रखनी है। जब भी आपको इस दिन धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन छिपकली दिखती है तो तुरंत सिंदूर और चावल उस छिपकली के ऊपर फेंक देना है और मन ही मन अपने धन से जुड़ी हुई समस्याओं का ध्यान करना है और कामना करनी है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वह खत्म हो और आपको धन प्राप्ति के नए नए योग प्राप्त हों। बस आपको सिंदूर और चावल उस छिपकली के ऊपर फेंक देना है, जिससे उस छिपकली पर यह रंग लग जाए। अगर आपको सिंदूर या चावल नहीं मिलते हैं तो दोस्तों आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। हल्दी नहीं मिलती है तो आप चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन तीनों चीजों में से आप कोई भी चीज आपको मिलती है आप छिपकली के ऊपर फेंक दें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपको धन प्राप्ति के नए नए मार्ग प्राप्त हों। जो भी आपकी जुड़ी हुई समस्याएं हैं उस बात का ध्यान करते हुए आप यह प्रयोग जरूर करें। धनतेरस या फिर दिवाली के दिन अगर आप यह प्रयोग कर लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझे, सुख समृद्धि आपके द्वार पर आने वाली है। क्योंकि काफी बार लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं और इसके बाद आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं तुरंत ही समाप्त होती हैं। यह एक बहुत ही अचूक प्रयोग है जिसके परिणाम बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता है, तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे फायदे मिलने लगेंगे। तो इस दिवाली दोस्तों धनतेरस और दिवाली के दिन जरूर करें। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। इस जानकारी को जनहित के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। हमारा वीडियो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको हमारी सभी नियमित जानकारियां समय पर सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।